गुड मॉर्निंग एवरीवन। आग आप जुए सुकोष केन्द्री में प्रत्यांकन। सुकोष केन्द्री एट्ले के यूकेरियोटिक कोष में प्रत्यांकन। यूकेरियोटिक कोष के जे कोष केन्द्र पटल धरावे छे, बराबर छे। आखी प्रक्रिया थोड़ी डिफिकल्ट छे, ध्यान थी समझो। सुकोष केन्द्री में जे प्रत्यांकन नी क्रिया छे ए क्या थाय छे? सुकोष केन्द्री में प्रत्यांकन की प्रक्रिया कोष केन्द्र में थाय छे, बराबर। आपणे जोई गया प्रोकैरियोटिक कोष में क्या थती थी? कोषरस में। पर सुकोष केन्द्रीय अथवा यूकेरियोटिक में प्रक्रिया कोष केन्द्र में थाय छे, कारण के यूकेरियोटिक सेल जे छे कोष केन्द्र पटल धरावतु होय छे। हवे के सुकोष केन्द्रीय कोष केन्द्र में आरएनए पॉलिमरेज त्रण प्रकारना जोवा मळे छे। प्रोकेरियोटिक नी अंदर जोई गया के आरएनए पॉलिमरेज फक्त एक प्रकारना जोवा मळता था, ज्यारे आ यूकेरियोटिक नी अंदर के जे आरएनए पॉलिमरेज जे छे ए त्रण प्रकारना जोवा मळे छे। जे जुदा जुदा कार्य साथे संकळायेला छे, बराबर। त्रयनी प्रकारना जे आरएनए पॉलिमरेज छे तयनीनुं कार्य जुदू जुदू छे। जेनी अंदर जोईए त्रणे त्रण विषे। आपणे पहेलो जे उत्सेचक छे आरएनए पॉलिमरेज वन। हवे आजे आरएनए पॉलिमरेज वन जे छे एनुं कार्य शुं छे? तो आरएनए पॉलिमरेज वन नु जे कार्य छे आरआरएनए नु संश्लेषण करे छे। रिबोसोमल प्रकारना आरएनए नु संश्लेषण कोना द्वारा थाय छे? आरएनए पॉलिमरेज एक उत्सेचक द्वारा थतुं होय छे। जुदा जुदा जे प्रकारना होय छे स्वेडबर्ग्स 18 अने 5.1 प्रकारना, बराबर। त्यार पछी बीजो उत्सेचक जे छे आरएनए पॉलिमरेज 2। आरएनए पॉलिमरेज 2 प्रकारनो जे उत्सेचक छे। हवे आरएनए पॉलिमरेज 2 जे छे एनु कार्य शुं छे? तो के जे एमआरएनए नु संश्लेषण करे छे। मैसेंजर आरएनए नु संश्लेषण करे छे अथवा तो निर्माण करे छे। पण अहींया के जे आरएनए जे छे पूर्ण स्वरूप अथवा तो प्राथमिक एमआरएनए नु निर्माण करे छे। प्राथमिक एमआरएनए नु निर्माण करे छे। हवे के जे आ प्राथमिक एमआरएनए एटले शुं? तो पूर्व स्वरूप हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। पूर्व स्वरूप हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए अथवा तो तेने अपरिपक्व एमआरएनए तरीके ओळखाय छे। पूर्व स्वरूप के जे परिपक्व एमआरएनए पहेलानुं जेने हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए तरीके ओळखाय छे, बराबर। हवे जोईए आपणे त्रीजा प्रकारनो जे उत्सेचक छे आरएनए पॉलिमरेज 3। आजे त्रीजा प्रकारनो जे उत्सेचक छे के जे ट्रांसफर टीआरएनए नुं निर्माण करे छे।
जो अहीं त्रणे त्रण आरएनए नु निर्माण जुदा जुदा प्रकार उत्सेचक द्वारा थाय छे। ज्यारे बेक्टेरिया अंदर फक्त आरएनए पॉलिमरेज एक ज प्रकार उत्सेचक हतो अने आ एक ज प्रकार उत्सेचक द्वारा त्रणे त्रण आरएनए नु निर्माण थतु हतु। बराबर छे, टी आरएनए नु निर्माण करे छे जेनी अंदर जुदा जुदा प्रकार नाम आपेला छे 5SRRNA, SNRNAS માટે જવાબદાર છે। હવે અહીંયા 5SR કે જે RNA એટલે શું થાય છે તો કે mRNA રિબોઝોમ સાથે જોડાય છે ત્યારે 5 સેકન્ડમાં આરએનએ સ્થાયી કરતા હોય છે જેને 5SRRNA તરીકે ઓળખાય છે। SNRNAS એટલે કે સ્મોલ ન્યુક્લિયર આરએનએએસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર છે, હવે જોઈએ આગળ પ્રત્યાંકનની જે પ્રક્રિયા છે એના તબક્કા વિશે આપણે આગળ જોઈએ તો કે સૌ પ્રથમ ટેમ્પલેટ ચેઇન જે છે અથવા તો ટેમ્પલેટ શૃંખલા છે એ શૃંખલાને અનુસરીને ટેમ્પલેટ શૃંખલાને અનુસરીને એમઆરએનએ નું સંશ્લેષણ કઈ દિશામાં થશે, હંમેશા 5-2-3 દિશામાં થાય છે। ટેમ્પલેટ શૃંખલાને અનુસરીને એમઆરએનએ નું નિર્માણ 5-2-3 દિશાની અંદર થાય છે જેની અંદર કે સૌ પ્રથમ પ્રાથમિક એમઆરએનએ નું સંશ્લેષણ થાય છે। પ્રાથમિક એમઆરએનએ એટલે કે હિટરોજીનિયસ આરએનએ નું સંશ્લેષણ થાય છે જે કેવું હોય છે, અપરિપક્વ હોય છે, પરિપક્વ જોવા મળતું નથી જેને કયા નામથી ઓળખાય છે, હિટરોજીનિયસ આરએનએ કહે છે। બરાબર છે, અથવા તો ઓળખાય છે। હવે કે આજે હિટરોજીનિયસ આરએનએ જે છે એની અંદર ગોઠવણી કયા પ્રકારની હોય છે એના વિશે જોઈએ। હિટરોજીનિયસ ન્યુક્લિયર આરએનએ માં સ્પ્લિટ ગોઠવણી જોવા મળે છે, સ્પ્લિટ એરેન્જમેન્ટ હોય છે। હવે આજે સ્પ્લિટ એરેન્જમેન્ટ એટલે શું, તો કે સ્પ્લિટ એરેન્જમેન્ટની અંદર કે જે જીન છે એ જીન બે ભાગની અંદર ગોઠવાયેલા હોય છે। બે રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે, એક્ઝોન્સ અને ઇન્ટ્રોન્સ। એક્ઝોન્સ અને ઇન્ટ્રોન્સ ગોઠવણી ધરાવે છે। બરાબર, હવે એક્ઝોન્સ જે છે કે જે પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે વ્યક્ત થાય છે અને પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેનો સંકેત ધરાવે છે, જ્યારે ઇન્ટ્રોન્સ જે છે એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે અવ્યક્ત રહે છે જે હિટરોજીનિયસ ન્યુક્લિયર આરએનએ માં ઇન્ટ્રોન્સ મેળવવું, આજે ઇન્ટ્રોન્સ જે છે એ ઇન્ટ્રોન્સ મેળવવું એક પ્રિમિટિવ લક્ષણ છે
प्रिमिटिव एटले के आद्य, आद्य एटले के जूनू प्राचीन लक्षण छे, बराबर। एटले आनी अंदर आपणे जोवा जोईए तो आखा आजे जीननी गोठवणी छे के जेनी अंदर आ बे प्रकारे गोठवणी जोवा मळती होय छे। जीन बे प्रकारे गोठवायेला होय छे, जेमां एक जे छे ए कया छे, एक्सॉन्स, बराबर। अने बीजा जे छे कया प्रकारना छे, इंट्रॉन्स प्रकारना छे। हवे एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आ प्रकारे गोठवणी जोवा मळती होय छे। हवे जेनी अंदर एक एडिशनल प्रोसेस थाय छे एना विशे आपणे जोईए। हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए मां एक एडिशनल प्रोसेसिंग थाय छे। कया प्रकारनी प्रोसेसिंग थाय छे एना विशे जोईए। हिट्रोजीनियस आरएनए दाखला तरीके तेनी जे आ चेन छे, चेननी अंदर आपणे जोईए एक छेडो फाइव डेश अने थ्री डेश तरफ निर्माण पामेलो। जेनी अंदर फाइव डेश छे तरफनो जे छेडो छे जेने कैपिंग तरीके ओळखाय छे। कैपिंग, कैपिंग एटले के आच्छादन अथवा तो आवृत जोवा मळे छे, बराबर, जेने कैप रीजन तरीके ओळखाय छे। अने आ कैप रीजन पर, कैप रीजन पर मिथाइल ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट जोड़ाई छे। मिथाइल ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट जोड़ाई छे, जेने मिथाइल ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट तरीके लखाय छे, बराबर, कैप रीजन पर। ज्यारे बीजो छेडो जे छे के जेने टेल रीजन, थ्री डेश तरफनो छेडो जे छे जेने टेल रीजन तरीके ओळखाय छे अथवा तो टेलिंग तरीके ओळखाय छे। टेलिंग एटले के पूछ, जेने टेल रीजन कहे छे, बराबर। कई तरफनो छेडो, थ्री डेश, फाइव डेश तरफनो छेडो कैप रीजन छे। हवे के आजे टेल रीजन जे छे के जेना पर, टेल रीजन पर लगभग 200 થી 300 જેટલા એડીનાઇલિક એસિડ જોડાય છે, એડીનાઇલિક એસિડ જોડાય છે, બરાબર છે। હવે કે જેને કયા નામથી ઓળખાય છે તો કે પોલી એડીનાઇલેશન તરીકે ઓળખાય છે,